हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट एफसी वर्सेस मुंबई सिटी एफसी मैच के बारे में। दोस्तों कल जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और मुंबई सिटी एफसी के बीच में मैच खेला गया था, जिसको जो है गाइस 2-1 स्कोर लाइन से मुंबई सिटी एफसी ने जीत लिया है। तो उसी मैच के बारे में आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। यार आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार, मैं डेली वीडियो डालता हूँ लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो गाइस सब्सक्राइब कर लो यार। देर किस बात की, हमारे चैनल पर आपको ऐसे मज़ेदार अपडेट मिलते रहता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कल रात 8 बजे जो है गाइस इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में मुंबई सिटी और नॉर्थ ईस्ट एनएफसी के बीच में नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट मैच खेला गया था, जिसको जो है गाइस मुंबई सिटी ने जीत लिया है। तो शुरुआती मिनट के अंदर तो भाई नॉर्थ ईस्ट एनएफसी बहुत अच्छे अच्छे अटैक्स बना रहे थे, गोल भी दाग सकते थे, मतलब शुरुआत से ही नॉर्थ ईस्ट एनएफसी बहुत अच्छे से अटैक्स बना रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर मुंबई सिटी भी बहुत अच्छे अच्छे अटैक्स क्रिएट करते हैं और 26 मिनट के अंदर जो है गाइस मुंबई सिटी को गोल मिल जाता है और वो जो है गाइस 1-0 से आगे चला जाता है। उसके बाद फिर 42 मिनट के अंदर पार्थिव सुंदर गोगोई के क्या लाजवाब गोल यार, पार्थिव सुंदर गोगोई ने बराबरी दिया था। मतलब भाई पार्थिव गोगोई के बारे में क्या बोलना है यार, ये मतलब हमारे इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर है यार। अभी भाई नेक्स्ट सुनील छेत्री भाई हमारा पार्थिव गोगोई होंगे भाई, मतलब हमारे इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर है, नॉर्थ ईस्ट एनएफसी का फ्यूचर है ये भाई। बहुत ही डेंजर प्लेयर है यार पार्थिव गोगोई, इसको अब हल्के में मत लो यार। और गाइस हमारा पार्थिव गोगोई के साथ साथ और एक नया स्टार गाइस सीएस गाइस हमारा फल्गुनी सिंह भाई, कल सुबह फल्गुनी सिंह का जो मतलब फल्गुनी सिंह का पापा का डेथ हो गया था, लेकिन फिर भी वो मुंबई सिटी की इस जैसे स्ट्रॉन्ग टीम के लिए खेलने आए थे भाई, मतलब सैल्यूट है भाई ऐसे प्लेयर के लिए, सैल्यूट है। और आप लोग दुआ करना बाहर फाल्गुनी सिंह के पापा के लिए, मैं भी दुआ करूंगा। ये होते हैं हमारे इंडियन लेजेंडर भाई, मतलब सैल्यूट है यार, आप लोग दुआ जरूर करना, मैं भी दुआ करूंगा फाल्गुनी सिंह के फादर के लिए। और बाकी अगर कल के मैच के बारे में चर्चा किया जाए तो भाई कल के मैच में नॉर्थ ईस्ट ने अच्छा तो खेला ही गाइस, बहुत ही अच्छा खेला है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के डिफेंडिंग है वो थोड़ा मतलब ठीक ठाक किया, लेकिन थोड़ा मिस्टेक की वजह से दो गोल्स मतलब खाना पड़ा। बाकी भाई ठीक ही था, मिडफील्डिंग भी ठीक था, लेकिन जो मोहम्मद अली बिमैन है ना गाइस, वो मतलब उनको मतलब शॉट लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मतलब वो ठीक से शॉट नहीं ले पा रहे थे। और रोमेन फिलिपुटुक्स भाई बहुत अच्छे से अटैक्स बना रहे थे भाई, क्या स्किल दिखा रहे थे यार भाई, ये कतई भाई जहर है रोमेन फिलिपुटुक्स। और पार्थिव गोगोई के बारे में तो भाई मुझे बोलना ही नहीं है, क्योंकि इस प्लेयर के बारे में जितना भी बोलूँ मतलब कम है। और गाइस इप्सन मेलो के बारे में काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई इप्सन मेलो अच्छा प्लेयर नहीं है, डून कप में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो आईएसएल में भी भाई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। कल के मैच में इप्सन मेलो ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया भाई, तो कल के मैच में सेकेंड हाफ के थोड़ी देर बाद इप्सन मेलो को जो है गाइस मैदान पर उतरा गया था। और भाई इप्सन मेलो भाई कितने खतरनाक प्लेयर है, मैंने यार आपको बोला था ना कि इप्सन मेलो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, अगर इनको अच्छे से मतलब ट्रेनिंग वगैरह मिलेगा तो ये अपने आपको जरूर साबित करेंगे। तो कल के मैच में भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया इप्सन मेलो ने भाई, वो मतलब मुंबई सिटी एफसी के प्लेयर से भाई कितने जोरों शोरों से भाई बॉल छीन रहे थे। और अगर नेस्टर अल्वियास के बारे में बात किया तो भाई नेस्टर अल्वियास कुछ डायरेक्ट शॉट ले रहे थे यार, मतलब उतना ज़्यादा पासिंग नहीं खेल रहे थे, डायरेक्ट शॉट ले रहे थे, लेकिन भाई शॉट में उतना पावर भी नहीं जनरेट कर रहे थे यार, मतलब पावर लेके शॉट लेना चाहिए था। और मतलब ज़्यादा पासिंग भी नहीं खेल रहे थे कल के मैच में, लेकिन भाई नेस्टर अल्वियास भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है, वो भी अपने आप को जरूर साबित करेगा। बाकी हमारा फल्गुनी सिंह के लिए भाई वो जो दिल वाला इमोजी है ना गाइस, वो कमेंट सेक्शन में जरूर भाई दे देना। और कल मैं मैच के बाद लाइव आने वाला था, लेकिन भाई बाद में मन ही नहीं किया भाई, नॉर्थ ईस्ट मैच हार गया तो बुरा लग रहा था, इसलिए भाई लाइव नहीं आया। और उसके बाद जो है 29 सितंबर को नॉर्थ ईस्ट का मैच है चेन्नई एफसी के साथ हमारा होम ग्राउंड में ही, उसको नॉर्थ ईस्ट एफसी जरूर जीतेगा। और मैच के बाद हम लाइव आएंगे, अगर भाई जीतता है तो भाई नॉर्थ ईस्ट एफसी भी भाई ट्रेनिंग वगैरह करेंगे फिर से, मतलब शुरू हो जाएंगे, फिर चेन्नई एफसी के साथ मैच है उसमें भाई जरूर जीतेगा भाई। कल के मैच में भी गाइस नॉर्थ ईस्ट ने अच्छा खेला यार, 2-1 से ही जीता है ना मुंबई सिटी एफसी, और भाई बहुत अच्छे से अटैक्स भी बना रहे थे, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स की वजह से गोल आया। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दूर किस बात की यार, कर दो ना चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको अलविदा, जय हिंद जय भारत।